नमस्कार, थाना मीरगंज क्षेत्र कस्बा मीरगंज के रहने वाले मुन्ना शाह ने जिलाधिकारी को लिखित शिकायती पत्र दिया। उन्होंने बताया कि अफसर खां भूमाफिया उनकी ज़मीन पर अवैध कब्जा कर रहा है। उन्होंने सरकार को अपनी ज़मीन को दान करने की बात कही और कहा कि इसमें गौशाला बनवाएं या अन्य चीज़ बनवाएं। इस मांग को लेकर उन्होंने आज अपनी बात रखी है। देखिए खबर। कहाँ के रहने वाले हो? कस्बा मीरगंज के। क्या मामला है? मामला साहब जमीन सा है, जमीन मेरे दादलाई है। जो अफसर खां भूमाफिया मीरगंज का है, जो थाने को पूरा चलाता है, उसने फर्जी मुकदमे छेड़छाड़ के मुझ पर 2 लगवा दिए और उसके बाद में 151 का लगवा दिया। 3 मुकदमे हो गए और अफसर खां मुझसे कह रहा है जमीन जीत मुझे दे दो। ज़बरदस्ती मुकदमे लगा के मुझसे लेना चाह रहा है, छीन लिया है। अब पुलिस उसके कहने पर चल रही है और मैं अधिकारियों पास मारा फिर रहा हूँ। मैं योगी जी को और मोदी जी तक खबर पहुँचाना चाह रहा हूँ। मैं दान में दे रहा हूँ 5 करोड़ की जगह। मैं भर पाया शासन फिर शासन से, चाहे गौशाला बनाओ चाहे मंदिर बनाओ, 5 करोड़ की जगह मैं दान में दूंगा योगी जी के लिए। कौन कब्जा कर रहा है? अफसर खां भूमाफिया, समाजवादी पार्टी का भूमाफिया है ये। इसने और जगहों पर भी नाजायज कब्जा कर लिया, पुलिस उसके कहने पर चल रही है। मेरे संग में मारपीट हुई है, मेरा मुकदमा अब तक नहीं लगेगा। क्या 4 तारीख से मारा कर रहा हूँ। जमीन कितनी है? उसने 3 मुकदमे लगवा दिए मेरे खिलाफ। वो कहाँ का रहने वाला है? अफसर खां मीरगंज का रहने वाला, नायाज जगह पर कब्जा कर, वो दमंग आदमी है वो। तो मोदी योगी जी से क्या संदेश दे रहा है? योगी जी को जो संदेश देना, चाहे गौशाला बनवा लें या सरकारी कोई बिल्डिंग बनवा लें, 5 करोड़ की जगह है, हम दान में देने को तैयार है। हम मां नंगे गरीब हैं, हम भीख मांग के खा लेंगे, मगर वो जगह सरकार अपने कब्जे में योगी जी को दे देंगे। योगी जी को दे देंगे साहब, हम अपनी जमीन हम भर पाए।